अगर ड्राइंग की बात करें हम साइलो का, तो ये फाउंडेशन प्लान दिखाया गया है। ये टनल नंबर 1, 2, 3, ये टोटल 3 टनल हैं। अभी अगर देखें तो इस टनल का वाटर प्रूफिंग का काम चल रहा है, जो अभी वीडियो डाले हैं, और इसका इस एरिया का राफ्ट का मतलब फाउंडेशन का सरिया बांधा दिया है। तो अगर इसका ये फाउंडेशन प्लान है, मतलब फाउंडेशन डलने के बाद जो राफ्ट का सरिया बांधा है, इस पर कॉन्क्रीटिंग होने के बाद जो आपको लेवल पर दिखेगा ऊपर से, उस लेवल पर उसका ये प्लान है, फाउंडेशन प्लान। तो अगर हम देखें, ये हमारा जो सेल वॉल का राफ्ट है, इसका चौड़ाई है 4800 mm। ड्राइंग में सारा mm में ही रहता है, अनलेस अदरवाइज जब तक स्पेसिफाई ना हो, तब सारा यूनिट आपका mm में रहेगा। तो 4800 mm ये है, ये हमारा टनल है। अगर हम टनल का पूरा देखें तो 6100 mm टनल का राफ्ट का साइज़ है, और 4500 देखिए ये है, और 800 ये टोटल 6100 इसका है, 6100 इसका है। तो और ये सेंटर पे एक और अगर देखें तो छोटा सा साइलो रहेगा, मतलब टंकी जैसी आपको बोल सकते हैं, जिसमें साइड में होल रहेंगे और उससे आपका क्लिंकर पास होगा। अगर थोड़ा ओवरव्यू के लिए अगर दिखाएं तो ये सेंटर में एक यहाँ से फीडिंग होगी क्लिंकर की, इसमें साइड में होल रहेंगे, जब ये भरता जाएगा तो इधर से ये क्लिंकर निकलेगा दोनों तरफ। इधर पर टनल है, टनल एक सेंटर वाली, ये दो, एक ये तीन, तो इन टनल पर जाके इधर ओपनिंग रहेगी, इधर नीचे बेल्ट चलता रहेगा, कन्वेयर बेल्ट DBC चलती रहेगी, तो उस बेल्ट पर गिरेगा, बेल्ट उसको ले जाके आगे निकाल देगा और फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे उसी बेल्ट के थ्रू। तो इधर थोड़ा सा ओवरव्यू बताए हैं, पूरा ड्राइंग बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो यही है। अभी साइड पर देखें तो प्लम हो गया है, यहाँ प्लम हो गया है कंप्लीट, इस टनल का प्लम हो गया है, इसका भी प्लम हो गया है यहाँ तक। ये टनल का प्लम होना बाकी है, प्लम कंक्रीटिंग बेसिकली अगर देखें तो PCC ही रहती है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पत्थर बोल्डर का यूज़ करते हैं, 15 से 30 सेंटीमीटर साइज़ का, ताकि ये कॉस्ट कम हो जाए, चूँकि ये मास कंक्रीटिंग है। करीब 6000 m³ कंक्रीटिंग पूरा प्लम में यूज होगी, तो थोड़ा कॉस्टली ना हो इसलिए हम प्लम यूज़ करते हैं। ये तो फाउंडेशन प्लान हो गया, थोड़ा एक ओवरव्यू समझ में आया होगा शायद। ये टनल, ये यहाँ पे ओपनिंग रहेगी सिंपल बीच बीच में, इसमें नहीं दिखाया इस ड्राइंग में, दूसरी ड्राइंग में है, यहाँ पे ओपनिंग रहेगी 5-5, 6-6 ओपनिंग रहेगी, और इधर से सेंटर में ऊपर ये अभी इधर से साइड में जो होल रहेंगे, उधर से आपका क्लिंकर गिर के इन टनल में जाएगा सिंपल, उनमें ओपनिंग रहेगी, तो ये नीचे बेल्ट लगा रहेगा, ये बेल्ट पूरा उसको क्लिंकर को लेके इधर से तीनों टनल का एक इधर से एक बेल्ट देंगे, एक में जाके पूरा आगे हम यूज कर पाएंगे उसको। तो ये तो सिंपल ओवरव्यू है। हालांकि इसके बाद अगर ग्रेड की बात करें हम, तो कंक्रीट का ग्रेड, तो साइलो का राफ्ट M30, साइलो वॉल M40 और टनल M30, मतलब ये टनल का राफ्ट, ये राफ्ट पूरा M30 से रहेगा। साइलो का वॉल, अब वॉल कौन सा, ये तो हमारा फाउंडेशन हो गया 4800 का, ये तो फाउंडेशन हो गया 4800, वॉल है ये अंदर 500 थिकनेस का, ये वॉल रहेगा ऊपर, नीचे तो फाउंडेशन रहेगा, बाकी पूरा वॉल जाएगा 500 का थ्रू आउट पूरा पेरीफेरी में ऊपर तक, जैसे पानी की टंकी बनती है। तो उसका कंक्रीट का ग्रेड क्या रहेगा, M40, और सेंट्रल शाफ्ट M30, सेंट्रल शाफ्ट मतलब इधर पे जो अंदर एक छोटा सा साइलो रहेगा वो M40 ग्रेड का रहेगा सिंपल। ये अगर बाकी अगर इसको देखें तो ये 0-0 लेवल का प्लान दिखाया हुआ है ड्राइंग में, इसको कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सिंपल इसका बर्थ प्रोफाइल रहेगा कि कैसे काम करेगा। थैंक यू।